ओके भगवान का शरीर कैसे होता है? मैं आपसे क्वेश्चन है इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बोल कृष्णा कह रहे हैं मुझे जानने की कोशिश करो तभी प्रेम होगा, मैं नहीं जानोगे तो नहीं होगा। कौन होता है भगवान का शरीर कैसे? उपनिषद क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं? रसो वही सहा रसम ही एवा अयम लब्धानंद देवा। भगवान का शरीर रस से बना, रस आनंद से। अब आनंद से शरीर कैसे बनाओगे ये आप कैसे सोचोगे? ऐसी राधा रानी का शरीर महाभाव से बना, आनंद से बना। अब वो हम सोच नहीं सकते, तभी वेद कह रहे हैं कि जिसका अप्राप्य मनसा स्वभाव, मन जहां से वापस लौट के आ जाए, आप चिंतन नहीं कर सकते। ठीक है आपको पता तो लगे आनंद से बना, मगर आप कैसे, आप ये तो सोच ही नहीं पाएंगे कैसे बना, कल्पना भी नहीं कर सकते ना आनंद से शरीर क्या होता है। भगवान का शरीर तद इज्जति न इज्जति, भगवान चलते हो नहीं चलते, बोलते हो नहीं बोलते, देखते हो नहीं देखते। भगवान का शरीर है भी मगर हमारी तरह नहीं, आनंद का होना है। सो वो इसलिए भगवान अपना नाम कह रहे हैं प्रभु। प्रभु मतलब, प्रभु का मतलब यही है, प्रभु का एक और मतलब है जो कभी विनाश नहीं हो सकते, क्योंकि आनंद का कभी विनाश, वो आनंद कैसे खत्म होता है? इसलिए गीता में श्लोक आता है आत्मतृप्तस आत्मतुष्टि आत्मज्योति। ये गीता का श्लोक है, भगवान अपने में आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद से बने हुए, जहां आनंद है वहां दुख कैसे हो सकता है? खुद ही उससे बने, जहां छाया है वहां रोशनी नहीं हो सकती, जहां रोशनी है वहां पर अंधेरा नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान आनंद से बने हुए इसलिए भगवान में दुख हो ही नहीं सकता, असंभव। और जो भगवान से जुड़ जाएगा उसको भी दूर, और जब आप भगवान के पास चले जाओगे तो भगवान आपको भी ऐसा शरीर देंगे जो आनंद से बना। ये शरीर आपको कहा तुकाराम कौन थे? तुकाराम महाराष्ट्र के संतन थे। तो आपको पता है मतलब पुणे में सबको पता है विठल, विठल। तो अभी वहाँ पुणे में गांव है देव, गांव से तुकाराम। उस गांव में अभी भी वो जगह है जहाँ पे वैकुंठ से ट्रेन आया था उनको लेके गया, अभी 100 साल 150 साल के बाद। सो उनको अभी दूसरा शरीर, ये प्रॉमिस है। ये भक्ति करने से धीरे धीरे आपको अपना स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाएगी, आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा। साधारण आदमी इसके बारे में सोच नहीं सकता। साधारण आदमी चलो थोड़ा सा मंदिर आएगा, भक्ति करेगा, मगर जो जो गीता का स्टूडेंट नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, तो संग नहीं करता, उसको ऐसी चीजें नहीं पता लगता, और फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। भगवान कह रहे हैं प्रभु, भगवान फिर अपना नाम कह रहे हैं साक्षी, मैं साक्षी हूँ, मैं प्रभु भी हूँ। प्रभु मतलब सारे सृष्टि को बनाता हूँ, अपने धाम में रहता हूँ मगर इससे अलग भी नहीं हूँ, सब कुछ देखता रहता हूँ, अपने घर में धाम में भी रहता हूँ, हर कण कण में भी रहता हूँ। भगवान को सब पता है, साक्षी है। जो आपको नहीं पता वो भी पता, जो आप सोचने वाले हो भगवान को पहले पता है, ऐसा सोचने वाले उनसे कुछ भी छुपा सकते। जब ये जो भीम है ना, भीम भीम बना तो भीम मतलब अभी वो होके गए मिर्जा लेता था, तो भीम ने भीम ने भीम ने भाई मिर्जा ने कहा से आगे मैं तो भीम को तो भूख लगती है ना, रिपोर्ट धरा तो भीम भूखे रह नहीं सकते। मतलब भीम अपने ब्रेकफास्ट में 2 टन केले खाते थे, 100 किलो दूध पीते थे, उनकी डाइट ये थी। और फिर मतलब लंच में भी वो खाएंगे, लंच में डबल खाएंगे, डिनर में मतलब पूरे पूरे खेत खा रहे थे दिनों। तो गया और मिर्जा ने कहा से आ गए, उन्होंने कहा तो पानी भी नहीं, उन्होंने कहा मैं मजा हूँ, चलो ऐसा करते हैं मैं यमुना जी में जाकर स्नान करूंगा, डुबकी मारूंगा, यमुना जी में स्नान करना अच्छा है काशी में, और फिर नीचे डुबकी मारते पानी पूरा था पता नहीं लगेगा। ठीक चलो तो यमुना जी ने कहा डुबकी मारी, और जैसे ही पानी पीने वाले थे वहां पर कौन आ गया, कृष्णा कृष्णा देख रहा हूँ।
इसको कहते हैं साक्षी। भगवान परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में साक्षी है, सब कुछ वॉच करते हैं, आप कुछ नहीं छुपा सकते। आपके इंटेंट, आपके विचार, आपकी चेष्टाएं सब भगवान के हैं और सब रिकॉर्ड होते हैं और सब का आपको चुकाना होगा, छुप नहीं पाओगे। सो इस संसार में हो सकता है आप लोगों को धोखा देके मारपीट करके बहुत सारी चीजें कर दो, मगर वहां क्या होगा, फिर नहीं कुछ कर सकते, फिर तो जो होगा। सो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। सो कृष्णा कह रहे हैं मैं साक्षी हूं, आप भक्ति करोगे वो भी रिकॉर्ड होगा। सब एक मंदिर में प्रोग्राम करके भगवान रिकॉर्ड करता है, आप भूल जाओगे भगवान नहीं भूले। आप पता नहीं किस जग में हमने क्या क्या किया है, क्योंकि आप भक्ति के सब कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान नहीं भूले। या आप जो भगवान के पास इस प्रोग्राम में आ रहे हो, भगवान की बात सुन रहे हो, कोई छोटी बात हो ना, अरे तो ना सुनने को भगवान अवसर दे रहे सुनने में। पिछले जन्म में आपने कुछ किया होगा, भगवान को याद है, उसका फल दे रहे हैं कि इसमें इसने इसने अपने पिछले जन्म में मेरे भक्त की सेवा की थी, इसलिए इस जन्म में मैं अपने भक्तों का संदेश को दूंगा। हमें आती है भगवान को याद, तो भगवान अपने भक्तों का संदेश दे रहे हैं कि जिससे हम समझ पाए। इसलिए हमको बोलते हैं साक्षी। ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, अपरिता में एक श्लोक है जिसमें भगवान साक्षी की बात करते हैं, इसी को बोलते हैं। फिर वहां पर देखो फिर क्या ध्यान ध्यान देखना, वेरी फेमस वर्स। ओके, भगवान साक्षी भी है और निवास भी है। निवास मतलब कि निवास का मतलब धाम, जिनकी हम शरण लेने योग्य। भगवान साक्षी हमारे साथ है, तो कितने समय से साथ है, तो बताए कितने समय से साथ है, अनंत जन्मों से हमारे साथ, हमारे दुख में हमारे सुख में हमारे साथ ही, अंदर हमें छोड़ के नहीं जा रहे हो, मतलब पप्पा छोड़ के चले जाते हैं, मतलब हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं उनके पूरी चीजें, हमारे साथ क्यों नहीं होते, पागल आदमी का कौन रहे। तो भगवान भगवान है, भगवान है हमारी हेल्प करने के लिए। कभी तो ये मेरी तरफ मुंह मोड़ेगा, जिसका मेरा अवश्य अन्यमीशम इतने भी करावश होगा। उपनिषद कह रही है कि जैसे ही जीवात्मा परमात्मा की तरफ मुख मोड़ ले वैसे उसके सारे शोक खत्म होंगे। तो भगवान प्रतीक्षा करते रहते हैं, कभी अभी तो संसार की तरफ देख रहे हैं ना, फिर एक दिन हम भगवान की तरफ देखना शुरू करते हैं, बस उसी वक्त जुष्टम जुष्टम कर जस्ट जस्ट इंग्लिश जस्ट खत्म हो जाएगा। भगवान का नाम निवास है, भगवान ही शरण लेने होते हैं भगवान को। अगर संसार में किसी और की भी शरण लोगे तो वो क्या करता है, अपने माता पिता की शरण लोगे, आप वर्षे वाले की शरण लोगे, किसी की भी शरण लोगे, कोई आपको मृत्यु से रोक नहीं सकता। इसलिए शंकराचार्य कह रहे हैं भज गोविंद है ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम बोलते संप्राप्त सन्निहित काले नहीं नहीं दुख रिंग करते, गोविंद को भजो गोविंद को भजो गोविंद को भजो, जब मृत्यु आएगी तो कोई नहीं बता, केवल गोविंद का नाम बजाएगा। उस टाइम दिमाग नहीं चले आपकी संस्कृत आता नहीं बता दुख रिंग करने आपका पांडित भक्ति मान निवास शरण सूर्य का भगवान शरण ले रहे होंगे। ये शरण तो मुश्किल नहीं है जो परफेक्ट है, कृष्ण सिर्फ पावरफुल नहीं है, भगवान में कोई दोष नहीं है, सर्वदोष अविवर्जितम ये शास्त्र में लिखा है, कोई डिफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट है। परफेक्ट आदमी की तो शरण लोगे आप, क्योंकि आप किसी और की भी शरण लोगे, किसी की भी शरण लोगे, अगर वो इम्परफेक्ट कैसे कहते हैं इम्परफेक्ट कैसे कहते हैं जो नहीं इम्परफेक्ट, अगर किसी में किसी की भी शरण लोगे उसमें थोड़ा सा भी दोष है तो आपको निराशा मिलेगी। हमारा ऐसा स्वामी वो होना चाहिए जिसमें कोई दोष नहीं है, तब निराशा। कृष्णा कह रहे हैं मैं कोई दोष
तुम्हें कभी भी निराश नहीं करेगा। इस संसार में हर व्यक्ति से हम निराश होते हैं, हर व्यक्ति से, भगवान कभी निराश होते हैं, ऐसे होते नहीं होता। हमारे कितने दोस्त होते हैं, सब कुछ होते हैं, हम निराश हो जाते हैं, फिर उसने ये नहीं किया, उसने कैसे होता है ना, और फिर ये हमारी सारी इच्छा कौन पूरी करती है। कृष्ण कह रहे हैं मैं ही कर सकता, मैं ही सबको संतुष्ट कर सकता हूँ। संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को पूरा सुखी रखे और सबको सुखी, केवल कृष्ण है, क्योंकि वो पूर्ण है, निराशा सुहित और भगवान सबके फ्रेंड है। कृष्ण सबको सुहित, सुहित मतलब होता है सौ हृदय, भगवान के हृदय में अनुकंपा है, दया है। अगर आप भगवान भगवान को हृदयकशिपु ने शिशुपाल ने गाली दी, भगवान ने क्या किया, भगवान ने उनको मुक्ति दे। भगवान कितने, तो भगवान ने इतनी कृपा है कि अपने दुश्मनों को भी भगवान कृपा है, तो जो कि भक्त उनके साथ क्या करेंगे, उनके भक्त तो क्या, वो तो सोच भी नहीं सकते। सो ये कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं, ये तो थोड़ा सा संदिग्ध है। कृष्ण कह रहे हैं कि अब क्या श्लोक है, सागर की एक बूंद को चखते हैं आप समझ सकते हो सागर का पानी एक बूंद से बदल जाए। सो भगवान ने थोड़ा सा अपने बारे में, अब आप भगवान के गुणों के ध्यान करो, इन्हीं गुणों से भगवान की स्तुति करो, और धीरे 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 थोड़े से धीरे धीरे आपको अनुभव आने लगेगा, और अनुभव से धीरे धीरे आप भगवान को पहचान, और भगवान भी आपको पहचानते हैं, दोनों पार्टी से होना चाहिए। भगवान आप ही भगवान को जानो, भगवान भी आपको जानते हैं कितना मानी है, कितना समस्या है, क्या चल रहा है, और जिस दिन दोनों तरफ से 100% हो जाएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज ये गीता पढ़ो, एक बार पढ़ लो। गीता तो हमारे सनातन धर्म की गीता है, सारे इतिहास में गीता ही पढ़ता है। सो गीता आप गीता पढ़ो, उसका उसकी चर्चा करो, दूसरे से मत चित्त करना पाना बोलो, उनका परस्पर उसको समझो, समझाओ, और हमारे पास वापस वापस कौन आएगा, इतनी गर्मी हो रही है। हरे कृष्ण श्री अरोड़ा की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी आपने परमादरणीय डॉक्टर केशवन द्रोण जी, जो बाय प्रोफेशन ही वाज डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर, formerly he was in R India Institute of Medical Sciences AIIMS, totally इसमें जॉब करते थे, फिर पिछले 20-22 वर्षों से प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति का सारे भारतवर्ष में, इवन अमेरिका, यूरोप कंट्रीज, इन सब कंट्रीज में प्रभु जी भगवान की कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी जैसे शुद्ध भक्तों के मुख से हमें भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता
सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं करतारपुर वासियों की तरफ से प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से प्रभु जी बटाला हुए थे, तो वहाँ से बिजी शेड्यूल में प्रभु जी दो दिन निकाले हमारे लिए। प्रभु की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसके लिए प्रभु जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ के डिवोटीज ने एक जस्ट एक प्रॉपर ऑफ रिस्पेक्ट एक गंगा जी भद्रा जी बलदेव जी के इतर है तो प्रभु जी को भेंट करने रहते हैं। तो मैं बालकृष्ण जी मान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। ये जो जगन्नाथ जी के जो आप पिक्चर देख रहे हैं, तो बच्चों ने पिछले 15 दिन पहले एक यहाँ पे डिवोशनल सर्विस स्पिरिचुअल कैंप यहाँ पर आयोजित किया था। तो उस डिवोशनल सर्विस स्पिरिचुअल कैंप में बच्चों ने जगन्नाथ जी के पेंटिंग्स, जगन्नाथ जी के पिक्चर्स और भी इन्होंने बहुत कुछ बच्चों ने बनाया। तो उनमें से जो इन्होंने ये पिक्चर बनाई थी जगन्नाथ जी की, तो वो प्रभु जी को भेंट कर रहे हैं। तो ये बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण हरे कृष्णा श्री प्रभु की। हरे कृष्णा, एक सूचना है। शाम को 4 बजे कपूरथला में जो हमारे यूथ डिवोटीज है उनका स्पेशल एक लेक्चर है प्रभु का, तो उनकी स्पेशल इंट्रैक्शन भी है प्रभु के साथ। तो जितने भी हमारे यूथ डिवोटीज करतारपुर से हैं, गोरखपुर से हैं, कपूरथला से हैं, तो 4 से 5 उन सबका हमने वहाँ पे रानी साहब मंदिर में टाइम रखा है। तो जितने भी हमारे यूथ डिवोटीज हैं, यंग डिवोटीज, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 4:45 आप सभी वहाँ फिर रानी साहब, और उसके बाद 5 बजे वही रानी साहब मंदिर में प्रभु जी की स्पेशल क्लास है, लेक्चर है, तो सभी के लिए हरे कृष्ण।